यूक्रेन पर रूस के हमले को करीब 2 साल होने को हैं और तब से लेकर अब तक अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन को सभी तरह के गोला बारूद समेत अरबों डॉलर की मदद दे चुके हैं। लेकिन इस मदद के बावजूद यूक्रेन रूस द्वारा कब्जाए हुए अपने इलाकों को आजाद नहीं करा पाया है। वहीं रूस ने भीषण सर्दी में यूक्रेन को दहलाते हुए उस पर एक और बड़ा हमला किया, जिसमें उसने यूक्रेन के खार्कीव में करीब 110 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूसी हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 120 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब रूस के इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस को रोका नहीं गया तो इस युद्ध का दायरा बढ़ सकता है और अमेरिका के इस युद्ध में सीधे शामिल होने का खतरा भी बढ़ सकता है। बाइडेन ने कहा कि ये दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है। इस विनाशकारी युद्ध के लगभग 2 वर्ष बाद पुतिन का उद्देश्य बदला नहीं है। वो यूक्रेन को मिटाना और उसके लोगों को अपने अधीन करना चाहते हैं। उन्हें रोका जाना चाहिए। बाइडेन ने कांग्रेस से यूक्रेन को लगातार सहायता की मंजूरी के लिए आग्रह करते हुए कहा कि यूक्रेन ने रूस द्वारा लॉन्च की गई कई मिसाइलों और ड्रोन्स को सफलतापूर्वक रोकने और नष्ट करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रदान की गई वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग किया है। बाइडेन ने कहा कि जब तक कांग्रेस नए साल में तत्काल कार्रवाई नहीं करती, हम यूक्रेन को अपने लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक हथियार और महत्वपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली भेजना जारी नहीं रख पाएंगे। कांग्रेस को आगे आना चाहिए और बिना किसी देरी के कार्रवाई करनी चाहिए। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि अमेरिका के विपक्षी रिपब्लिकन्स बाइडेन द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता के बिल को मंजूरी देने के लिए तब तक इनकार कर रहे हैं जब तक कि डेमोक्रेट्स अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए सहमत नहीं होते, और इसी देरी की वजह से बाइडेन प्रशासन को डर है कि पुतिन हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर उसके क्षेत्रों पर कब्जे कर सकते हैं। इसी को लेकर बाइडेन ने कहा कि लड़ाई का खतरा यूक्रेन से कहीं आगे बढ़कर पूरे नेटो गठबंधन और यूरोप की सुरक्षा तक को है और जोखिम अमेरिका के लिए भी है। बाइडेन ने कहा कि जब तानाशाहों और निरंकुशों को यूरोप में अनियंत्रित रूप से चलने की अनुमति दी जाती है तो जोखिम बढ़ जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे इसमें शामिल हो जाएगा। हम अपने सहयोगियों और साझेदारों को निराश नहीं कर सकते। हम यूक्रेन को निराश नहीं कर सकते। इतिहास उन लोगों का कठोरता से न्याय करेगा जो स्वतंत्रता की पुकार का उत्तर देने में विफल रहेंगे। बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को मदद के लिए संसद में अटके बिल को पास कराने के लिए रिपब्लिकन्स से लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन विपक्षी सांसद टस से मस नहीं हो रहे हैं। और इधर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले बढ़ाकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि अपुन रुकेगा नहीं।